आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को आखिर किससे खतरा है? बेनीवाल के घर के बाहर 8 QRT के कमांडो क्यों तैनात किए गए हैं? ये जानने के लिए 5 दिसंबर 2023 का दिन याद करना होगा, जिस दिन राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या की गई थी। गोगा मेडी की हत्या के बाद रोहित गोदारा के नाम से फर्जी पोस्टें वायरल हुई थी। इनमें एक राजपूत नेता की हत्या के बाद एक जाट नेता की हत्या की धमकियां वायरल हो रही थी। इसके बाद अंदेशा जताया जा रहा था कि अब लॉरेंस गैंग जाट नेता हनुमान बेनीवाल की हत्या कर सकती है। इसके बाद बेनीवाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई। रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर दावा किया कि बेनीवाल उनके बड़े भाई की तरह हैं। पुलिस अधिकारी प्रमोशन के लिए हमले की झूठी अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन अब 2 महीने बाद पुलिस इंटेलिजेंस को इनपुट मिला था कि नागौर में 3 शूटर हनुमान बेनीवाल पर हमले की साजिश रच रहे हैं। इनपुट मिलते ही पुलिस ने बेनीवाल की सुरक्षा में 8 कमांडो तैनात कर दिए। 25 जनवरी को हनुमान बेनीवाल जयपुर से नागौर जा रहे थे। इस दौरान एक पुलिस के बड़े अधिकारी का उनके पास फोन आया। अधिकारी ने बताया कि उनके पास इंटेलिजेंस से इनपुट है कि उनकी जान को खतरा है। पुलिस ने उनको अलर्ट रहते हुए कुछ दिन सार्वजनिक जगहों पर नहीं जाने और लोगों से नहीं मिलने के लिए कहा। बेनीवाल का कहना है कि उनकी सुरक्षा तो बढ़ा दी गई है, खतरा किससे है ये नहीं बताया गया। उधर जब इस मामले में नागौर SP से बात की गई तो उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया। उन्हें जानकारी ही नहीं है कि बेनीवाल को सिक्योरिटी क्यों दी गई है। हनुमान बेनीवाल के बाद लाडनू विधायक मुकेश पाकर की भी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। अब देखने की बात यह है कि अब नेक्स्ट कौन सा नेता है जिसकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। वहीं ऐसी कौन सी गैंग है जो इन नेताओं को टारगेट कर रही है। रणवीर चौधरी, दैनिक भास्कर, जयपुर।